हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अखलाक आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों जॉब इन कुवैत। जी हां, यह एक स्पेशल पोस्ट के लिए जॉब है दोस्तों, और जॉब है दोस्तों बल्क हायरिंग फॉर बैरिस्टा। जी हां दोस्तों, ये बैरिस्टा एक होटल लाइन से रिलेटेड, रेस्टोरेंट लाइन से रिलेटेड पोजिशन है दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको दो फायदे होंगे दोस्तों। या तो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल इस बैरिस्टा की पोस्ट से मैच खाती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू पास करके आप कुवैत में नौकरी करने आ सकते हैं, जिसके कि पांच बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सिर्फ आपका सिलेक्शन होना है, उसके बाद वो पांच फ़ायदे आपको मिलेंगे जो कि आपको खुशी, इतनी सी खुशी को इतना कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और अगली बात दोस्तों कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने 12वीं क्लास पास करी है, या आप ग्रेजुएट हैं, या आप होटल लाइन में जाने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो यह बैरिस्टा की पोस्ट आपके लिए एक नया कैरियर साबित हो सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक या तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें, या आप इस नौकरी को करने के लिए या इस बैरिस्टा की पोजीशन को पाने के लिए आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं दोस्तों, है ना। ग्रेजुएशन करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, या किसी जॉब से आपका मन भर गया हो तो एज अ फ्रेशर इस नई जॉब को अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और इसमें कितनी सैलरी मिलती है, और क्या क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों, यह है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो आ जाते हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, इसमें बल्क हायरिंग हो रही है। बल्क का मतलब ये होता है दोस्तों, कम से कम ये समझ लो आप 200, 300, 400, 1000 बैरिस्टा की ज़रूरत है कुवैत में दोस्तों। जी हाँ, और भी बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो के अंत में लिंक दिए जाते हैं, है ना। और डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पे जाके आप अरब देशों में नौकरी की वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। और अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों कि बैरिस्टा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, है ना। जो बैरिस्टा होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रिपेयर एंड सर्व कॉफ़ी ड्रिंक्स दैट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये जो बैरिस्टा होते हैं दोस्तों, ये कॉफ़ी मेकर होते हैं, है ना। तो ये जो भी कॉफ़ी बनाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो अप टू द स्टैंडर्ड हो, है ना। देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। एक, आप इस नौकरी के लिए या तो एलिजिबल हो, और दूसरा, क्या आप इस नौकरी में, इस पोजीशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आपको ये काम आने चाहिए या ये काम आप करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैरिस्टा की, वो प्रॉपरली हैंडल एंड मेंटेन ऑल इक्विपमेंट। जहाँ भी यह काम करते हैं वहाँ वो प्रॉपर पूरे इक्विपमेंट्स को हैंडल करके रखते हैं, जो भी मशीन्स हैं, है ना, जो भी चीज़ें वहाँ से वहाँ पर। तीसरी बात जो होता है, रिस्पॉन्स टू ऑर्डर पोलाइटली एंड लिसन। जब भी यह काउंटर पर खड़े होते हैं जहाँ ये कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, कुछ कस्टमर्स आके इनसे पूछते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें, कौन सा टेस्ट अच्छा है, है ना, यह कॉफ़ी कितने की है, इस सब के लिए वो ध्यान से उनको सुनेंगे, है ना। कुछ कस्टमर शुगर के होते हैं, कुछ शुगर फ्री, जो भी उनको चाहिए, तो हमेशा ध्यान कस्टमर्स की तरफ होना चाहिए। बैरिस्टा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरी है ये। चौथी है दोस्तों कि एक्यूरेट हैंडल कैश एंड कार्ड पेमेंट। जब भी आप, कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि कैश काउंटर बहुत ही क्रिटिकल होता है, कस्टमर का को हमसे 101 रुपये लेने होते हैं, और गलती से कुछ लोग 1001 रुपये करके और क्लिक कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कैश। जितना की पेमेंट है उतने ही आप कस्टमर से कैड या कैश या कार्ड से लें, और दो बार रिपीट कर दें कि उनकी कितने का बिल है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह भी बैरिस्टा की दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पांचवी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों बैरिस्टा की, वो है सर्व कस्टमर क्विकली एंड एफिशिएंटली। अगर आपको किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में उसका ऑर्डर, उसको सर्व कर दें, और अगर आपके पास रेडी है प्रोडक्ट तो आपको देन एंड देयर ही उसको सर्व कर दें दोस्तों, है ना। क्योंकि कस्टमर्स रेस्टोरेंट में इसलिए आते हैं कि उनको कुछ समय बिताना होता है, और उस समय में उनको बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाए, तो इस पर ध्यान देना होता है दोस्तों। और जो भी बैरिस्टा होते हैं दोस्तों, वो ऑलमोस्ट काउंटर पर खड़े होते हैं मोस्टली, तो उनको उनके मेन्यू के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि आपके यहाँ पर कितनी तरीके की कॉफ़ी है, कौन सी कॉफ़ी कितने रुपए में मिलती है, कौन से नए प्रमोशंस हैं कॉफ़ी के, है ना, किन के साथ ऑफर चल रहे हैं, तो ये सारी जानकारी बैरिस्टा को होनी चाहिए दोस्तों। लास्ट में उन दोस्तों, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्जर्व हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर यह इक्विपमेंट्स वगैरह
देखने की इनकी जिम्मेदारी है, साफ सफाई देखने की जिम्मेदारी है, तो कोई भी इक्विपमेंट्स है उनकी वायर वगैरह किसी की ओपन नहीं हो, है ना, सारे ऑन ऑफ बटन अच्छे से वर्क कर रहे हो, फ्लोर पे कुछ भी पानी वगैरह ना गिरा हो जिससे कस्टमर फिसल के गिर जाएं या आप खुद फिसल के गिर जाएं, तो ये सारी हेल्थ एंड सेफ्टी देखनी होती है दोस्तों, है ना। दोस्तों देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, बैरिस्टा पोस्ट के लिए या तो आप अप्लाई कर दीजिए या इस फील्ड में अपना कैरियर बना लीजिए दोस्तों, है ना, ये दोनों चीज़ों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है, मेरे बताए हुए नंबरों पर और ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम सेंड करोगे तो यह नौकरी आपको मिल सकती है दोस्तों। और 5 फायदे अभी पेंडिंग है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। अब आ जाते हैं दोस्तों बैरिस्टा की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, है ना। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बैरिस्टा की पोस्ट के लिए, यह मैं आपको बता दूं। पहला है कि हाई स्कूल डिप्लोमा और जर्नल डिग्री। जी हाँ दोस्तों, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, है ना, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या बैरिस्टा से रिलेटेड, या डिग्री होनी चाहिए, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे में 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, है ना। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास यह डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए दोस्तों, तो आप तो भी आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन फील्डों में नौकरी करना चाहते हो तो आप इस फील्ड में डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हो होटल मैनेजमेंट में। होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों, अगर आप एक साधारण परिवार से हो, है ना, तो आप यह कोर्स कर सकते हो, इसके बाद अच्छी इसमें नौकरियाँ मिल जाती हैं। मेरे पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस था 3-4 साल का इंडिया में एक अच्छे रेस्टोरेंट में वर्क करने का। सो मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और मेरी बहुत अच्छी सैलरी आती है दोस्तों, है ना। तो मेरा बस यह मोटिव है कि आप लोग भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें और सिलेक्ट होके यहाँ आएँ, बहुत अच्छी सैलरी लें और मज़े करें दोस्तों। दूसरी जो क्वालिफिकेशन में आती बैरिस्टा की, वो है दोस्तों रिटेल हॉस्पिटैलिटी कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस प्रेफर। अच्छा, जो इन्होंने बताया है कि क्वालिफिकेशन में ये लोग यह देखेंगे क्या तो रिटेल में, है ना, आपका एक्सपीरियंस हो, जैसे है ना एक एक करके के कोई आया, उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, आपने उसको कॉफ़ी दे दी, या हॉस्पिटैलिटी में आप किसी होटल इंडस्ट्री में 3-5 स्टार होटल में आपने वर्क किया हो, या फिर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस प्रेफर, जैसे कि मैंने आपको बताया कैफ़े कॉफ़ी डे में, है ना, और अलग अलग ब्रांड्स में, है ना, चायोज में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी ये लोग आपको जल्दी प्रेफर देंगे, है ना, आपके सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन में तीसरी चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे एबिलिटी टू रीड एंड स्पीक इंग्लिश। देखो दोस्तों, आज के टाइम में, है ना, इंग्लिश आना, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी यह इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, है ना, आप अगर कुवैत में आओगे तो ऑब्वियसली अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आओगे, तो कुछ आए ना आए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना दोस्तों, तो इसे आपको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, नॉर्मल आना चाहिए, बेसिक, क्योंकि यह इस पोस्ट के लिए बेसिक आना ज़रूरी है कि सामने वाले की बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों, है ना। और उसके बाद दोस्तों बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, बेसिक, है ना, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स का मतलब यहाँ बैरिस्टा की पोस्ट में यह है कि कभी कभी होता है कि आपका सीनियर आपसे कहता है कि आप ऊपर देख के आ जाइए कि इस फ्लेवर के हमारे पास कितने पैकेट्स हैं और हमें कितने ऑर्डर करने हैं। तो आप ऊपर गए, आपने देखे तरह तरीके के फ्लेवर्स हैं वहाँ पे, किसी का आपको 110 ऑर्डर करने हैं, किसी के 197, किसी के 188, तो ये बेसिक्स मैथमेटिकल्स आने चाहिए आप लोगों को, है ना। और जैसे कि किसी ने आपको 1000 रुपीज़ दिए यहाँ पर, है ना, ऑर्डर हुआ 189 का, तो आपको कितने उसको रिटर्न करने हैं, दैट्स कॉल्ड बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स प्लस माइनस नॉर्मली जो है। अब आ जाते हैं दोस्तों एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। क्वालिफिकेशन में इंटरव्यू में हो सकता है वो एक सवाल पूछ लें कि एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर आपके पास आया, आपसे उसने बोला कि उसकी कॉफ़ी ठंडी है, है ना, तो आप उससे झगड़ने मत लग जाना कि ठंडी है, मैंने तो आपको गर्म दी थी, ठंडी हो गई थी, इसमें मैं क्या करूं? नहीं दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी लाइन में ऐसा नहीं होता। प्लीज़ ओके सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉफ़ी ठंडी है तो क्या मैं आपको एक नई कॉफ़ी प्रोवाइड कर दूं? आप प्लीज़ वहां पर जाके बैठिए, मैं आपके लिए एक नई कॉफ़ी लेकर आता हूं, है ना। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, वैसे ही 100 के 100 ग्राहक अच्छे नहीं होते। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि जिनको आदत सी होती है कि दूसरी कॉफ़ी लेनी है, और कुछ जेन्युइन ग्राहक होते हैं, कभी कभी हमसे भी ठंडी कॉफ़ी चली जाती है ना, इसलिए हमको वहाँ पर पोलाइटली दोस्तों, जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग,
बनकर रहना है कि कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसका सॉल्यूशन निकाल दें, है ना दोस्तों। उसके बाद होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कभी भी किसी से बात करें तो प्लीज़ वर्ड का यूज़ करें। किसी से काम करवाने के लिए कोई अगर आपका काम कर दे तो उसको थैंक यू बोलें। किसी से कोई काम करवाना हो तो क्लियर मैसेज उसको सेंड करें, है ना, कि क्या काम करवाना है ना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद होता है एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन। अगर आपका सीनियर मैनेजर आपसे कह के गया है कि आपको आज रात को ऊपर के 3 जो कॉफ़ी के ड्रॉअर हैं वो गिनकर मेरे को मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप पे, तो आपका काम यह कर बनता है कि जो भी आपको डायरेक्शन मिली है रात को, है ना, आपकी शिफ्ट पूरी होने के बाद या शिफ्ट के बिटवीन आप उन 3 ड्रॉअर की कॉफ़ीज़ को चेक करें, काउंट करें और अपने सीनियर को भेज दें। इसको बोलते हैं दोस्तों एबिलिटी टू फॉलो द डायरेक्शन। जो कि आपके सीनियर आपको डायरेक्शन दें उनको आप फॉलो करें। अब मैंने दोस्तों जैसा इसमें बताया, या तो आप इसमें कैरियर बना सकते हैं, है ना, और अगर आप इससे के रिगार्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कुवैत में सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये मिलेंगे दोस्तों 160 से लेकर 200 कुवैती दिनार, जी हाँ, जो कि भारत के होते हैं 37,440 रुपये से 46,800 रुपये महीना। देखो दोस्तों कॉफ़ी मेकर की सैलरी यहाँ पर 37,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है, ऐसा कहीं देखा अपने इंडिया में? ज़्यादा से ज़्यादा 8,000, 10,000, 12,000, सीनियर हो तो 15,000, है ना, तो उससे डबल तिबल सैलरी दोस्तों यहाँ पर मिल रही है। तो यह इस फील्ड में आप कैरियर अपना चुन सकते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे आपको टिप्स मिलेगी, जी हाँ, अगर आपने स्टैंडर्ड वाली कॉफ़ी कस्टमर को बना के दी, है ना, कस्टमर खुश हो गया उसे पी के, तो यकीनन वो आपको टिप दे के जाएगा, वो सारी टिप आपकी जेब में जाएगी, किसी को नहीं देनी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि कुवैत एक बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पर लोगों को कॉफ़ी पीने का शौक़ है ना, तरह तरह के जूसेस पीने का शौक़ है, तो अगर आप यहाँ कॉफ़ी वगैरह उनको बना के देंगे, यहाँ डिमांड है मतलब बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड होती है वहाँ वर्कर ज़्यादा होते हैं, और वर्कर अगर ज़्यादा होते हैं, है ना, तो वहाँ पर ओवर टाइम वगैरह भी मिलता है, जी हाँ, डिमांड भी ज़्यादा है, वर्कर भी हैं, तो ओवर टाइम वहाँ मिलना लाजमी है, है ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। और दो चीज़ें मैंने बता दी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 5 चीज़ें मैं बताऊंगा, तीसरी चीज़ यहाँ पर ड्यूटी मील फ्री मिलती है दोस्तों, है ना, तो अब आप सोचोगे कि कॉफ़ी कैफ़े में हम क्या खाना खाएंगे, क्या ड्यूटी मील वहाँ मिलेगी, तो वहाँ पे आपको मंथली पैसे दिए जाएंगे दोस्तों, है ना। यह मंथली पैसे, जैसा कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है कुवैत में हूँ मैं, यहाँ 20 से लेकर 24 दिनार तक दिए जाते हैं। 1 दिनार 233 रुपये का है दोस्तों, तो 20 दिनार आपके तकरीबन 4600 रुपये के हो गए, तो 4600 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक आपको यहाँ खाने के लिए पैसे दिए जाएंगे अगर ड्यूटी मिल नहीं मिलती। 3 हो गई दोस्तों अच्छी बात है, मैंने 5 कही थी आपसे। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों चौथी अच्छी बात पर, चौथी बात यह है अकोमोडेशन। देखो दोस्तों कहीं भी हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, अगर हम यूपी से दिल्ली में भी नौकरी करने के लिए आते हैं तो किराया बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इंडिया से अगर यहाँ नौकरी करने के लिए आओगे तो यहाँ रहने का आपको कोई किराया नहीं देना, यस फ्री बिल्कुल, कंपनी के द्वारा आपको रखा जाएगा, रूम में रखा जाएगा, रूम में यहाँ मैं भी रहता हूँ, यहाँ बहुत अच्छा सोफ़ा होता है, है ना, अच्छी होती है, आप ये गंदा मतलब ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किचन, वॉशरूम, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होती है ना, वॉशरूम के अंदर आपको वॉशिंग मशीन, शावर वगैरह सब, ठंडा पानी, गर्म पानी किचन के अंदर, है ना, किचन के अंदर आपको गैस चूल्हा वगैरह, फ्रिज, अच्छी सी डाइनिंग टेबल, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ यह प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। और अब आ जाते हैं दोस्तों लास्ट पे होती है ट्रांसपोर्टेशन, पांचवी चीज़ दोस्तों, 5 अच्छी बातें मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है, जहाँ पे आपको यह रहने के लिए देंगे वहाँ बस आया करेगी, मिनी बस या कार कंपनी की, वहाँ आप बैठोगे, वहाँ से लेकर जहाँ भी आपकी नौकरी लगी हुई है वहाँ तक कंपनी की कार छोड़ के आएगी, कंपनी की कार ही वापस वहाँ से लेके आएगी दोस्तों। तो ये 5 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बचाएंगी, किराया आपको नहीं देना, एक टाइम का आपको खाना फ्री मिलेगा, और आने जाने की समस्या का समाधान भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपकी सैलरी 37,000 या 46,000 रुपये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आप 5-6 हज़ार रुपये महीना ही खर्च करोगे, और 30,000 रुपये से लेकर 35-40,000 रुपये तक आप यहाँ से बचाओगे दोस्तों। तो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल इससे मैच खाती है, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर अपना सीवी सेंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 3 दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव है मैं हर उस व्यक्ति को नौकरी दिलाऊं जो मेहनती है, और नौकरी कैसे मिलती है, एक अच्छे
जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू आप भारत से दूसरे देश में नौकरी करने आ सकते हो, जैसे कि मैं आया हुआ हूँ। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों को ऐसे ही जागरूकता वाली और बहुत अच्छी अच्छी नौकरी वाली वीडियोस दिखाता रहूँगा। आपका फ्रेंड मोहम्मद अखलाक, थैंक यू सो मच।